नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस खास कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और आज आपको लेकर चलूंगी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक और महत्वपूर्ण सीट। जी हां, बुराड़ी। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र देखा जाए तो महाभारत कालीन के वक्त में यहां कृष्ण अपनी गाय चराने आते थे, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम मुरारी पड़ा, लेकिन मुगल काल में नाम बदलकर मुरारी से बुराड़ी हो गया। अब बुराड़ी विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में यहां से आपके विधायक ने जीत दर्ज की थी, संजीव झा ने। 2008 में जब परिसीमन हुआ, जब ये क्षेत्र बना, तब यहां से भाजपा के विधायक थे। तो ऐसे में पिछले 5 साल में यहाँ की जनता मौजूदा सरकार के कार्यकाल को किस तरह देखती है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं बुराड़ी में। आपको बताएंगे क्या सोचती है यहाँ की जनता इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या मूड रखती है। तो आइए चलते हैं, जायजा लेते हैं बुराड़ी का। झड़ौदा गांव बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ है, थोड़ा तस्वीर में आपको यहाँ की सबसे पहले दिखाना चाहूँगी। यहाँ अगर आप देखें तो रिहायशी इलाका है यहाँ ये, और उसके सामने ही आप देख रहे हैं कि खुला नाला, बेहद गंदा पानी, और कुछ आंटी भी कुछ कहते हुए निकल रही हैं। तो आंटी यहीं कब से रह रही हैं यहाँ? मैं तो वजीराबाद रहती हूँ। अच्छा, नहीं जब यहाँ आती हैं तो खूब गंदगी लगती है? बहुत गंदगी है, मच्छर दुनिया भर के नाले गंदगी है। और तो नहीं है यहाँ आने से? नहीं, घबराती तो नहीं, फिर भी आ जाती हूँ। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या राय रखते हैं। आंटी आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, यहीं रहती हूं। कितने सालों से रह रहे हैं? हो गए 8-9 साल। तो 8-9 साल में अच्छा लगा कि यहाँ पर आके बसे? अच्छा लग रहा है या लग रहा है? लेकिन गंदगी बहुत है यहाँ पे, एक तो नाले की वजह से मच्छर इतना है जो बीमार पड़ते हैं बहुत ज्यादा है। अभी शिकायत की इस बात को लेके अपने विधायक से कि नालियों को ढकने का काम हो, ये सब बहुत जरूरी है? कई बार हुआ है, लेकिन कुछ हुआ नहीं? नहीं कुछ हुआ। आप बताइए आंटी, बिजली पानी सब सही आ रहा है, टाइम से आ रहा है? पानी थोड़ा गंदा आ रहा है, वैसे आ जाता है। अच्छा, पानी आता है लेकिन गंदा आता? गंदा आता है शुरू में, तो बेकार है ऐसा पानी, फिर बाद में साफ होता है, शुरू में गंदा ही आता है। अच्छा, तो ये कब से समस्या है गंदे पानी की? जब से पानी लगा, जब इसे चल रही है। शुरू से ही आ रहे हैं? 4-5 साल से ज्यादा है, 4-5 साल से गंदा पानी ज्यादा आ रहा है। 5 साल पहले ठीक था? नहीं है, बीच में पानी कहाँ था? 2 साल तक तो पानी नहीं आया था बीच में, इस साल बोल सकते हैं थोड़ा सा कि पानी कंटिन्यू आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन। अभी भी कंटिन्यू है? कंटिन्यू का है तो अल्टरनेट हो गया। हाँ, अल्टरनेट ऐसे ही आता है, ये यहाँ पे सब एरिया में यहाँ पे यही सिस्टम है, अल्टरनेट ही आता है। और स्टार्टिंग में जो पानी आता है वो बहुत गंदा आता है, वो पानी हम लोग पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, वो पी नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी तो पानी के नाम पर ही जो है सबसे ज्यादा वो अपनी बातें कहते हैं कि भाई पानी हम पूरी दिल्ली में दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। अब मुफ्त दे रहे हैं वो कहने की बात है कि कहीं पे है कहीं पे नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी लगा लो 4 महीने से कह सकते हैं कि पानी थोड़ा ठीक आ रहा है, लेकिन शुरुआत में गंदा आता है। हाँ, पानी आता ही नहीं था, मीठा पानी, तो हम लोग खारा पानी से काम करते थे, इसीलिए सबने कनेक्शन करवाए थे बीच में। अच्छा अच्छा, आप बताइए, बहुत शांति से सब कुछ सुन रहे हो, क्या लग रहा है अब वापस मौका देंगे आप सरकार को, या लगता है कि वापस बीजेपी या कांग्रेस? सरकार किसी को नहीं चाहिए जो किसी की सुविधाओं को ना देखे, मुंह चलाने से और करने में बहुत फर्क है। यहाँ घरों के लोग जो है नाले सारे अपने अपने परेशानियों में परेशान हैं, लेकिन ये गंदगी ने बच्चों को यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल कर रखा है। पीछे गंदगी है, यहाँ से हटाए तो वहाँ स्टार्ट हो जाती है। देखिए, साफ सफाई का काम तो MCD का है, MCD में BJP है, इन्हीं लोगों से आगे बढ़े है ना, कहीं और से तो नहीं आए ना। अगर MCD वाले इनके जरिए में नहीं है तो फिर MCD है किस चीज की? पार्टी अलग अलग हो गई ना, तो लग रहा है आपको नहीं आप? अच्छा, तो आपके विधायक है तो यहाँ थोड़ा बहुत जो काम है ना, ये सीवर वगैरह का या पानी का जो भी है, उन्होंने प्रॉब्लम क्लियर की है यहाँ की, तो हम तो जो कर रहा है हमारे लिए, हम लोग तो उन्हीं को बोलेंगे। और यहाँ नाले का इतना गंदा हाल है, लोग घरों का कूड़ा जो है। तो नाराजगी किस से है, भाजपा से आपसे नाराजगी किस से है? ये तो मैं कंफ्यूज हूँ। किसी से भी नाराजगी नहीं है, बस इतना है कि जो हम काम कौन नहीं कर रहा, भाजपा नहीं कर रही है, आप सरकार नहीं? MCD की जो है रेखा सिन्हा है, वो किसी काम करती किसी काम की नहीं है, वो नाराजगी MCD से है ना।
केजरीवाल, वो तो आप पार्टी के हैं। आप पार्टी, ये तो बेटर काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है इनका, अच्छा काम है लग रहा है, दोबारा मौका देना चाहिए। हाँ, इन्हें दोबारा मौका देना चाहिए, स्कूल वगैरह में अच्छी फैसिलिटी कर रखी है इन्होंने, और जहाँ पे देखे हैं। चले, इनको अच्छा लगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है, हालांकि उसको एक अपना ये भी कह सकते हैं कि केजरीवाल जो है इसे अपने लिए ये भी इसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोलते भी हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ किया है। तो ये यहाँ की जनता है जो अपनी राय रख रही थी, बता रही थी कि आखिर झड़ौदा में कितना विकास हुआ है, किसने किया है और किसने नहीं किया है। लेकिन जो सबसे जो बड़ी परेशानी वो साफ सफाई को लेके है, जिससे यहाँ की जनता जूझ रही है और कोई उनकी सुन नहीं रहा है। तो ये फिलहाल समस्या है, और मौजूदा अपने विधायक से, मौजूदा सरकार से यहाँ की जनता खुश दिख रही है और वापस मौका देने की बात कर रही है। आगे बढ़ते हैं झड़ौदा गांव से और बुराड़ी में देखते हैं, और इलाकों में दूसरे वार्ड्स में जाते हैं, क्या वहां की जनता अपना मूड रखती है इस बार के विधानसभा चुनाव को। संत नगर बुराड़ी का एक और हिस्सा, अब यहां पर कितना विकास कार्य हुआ है पिछले 5 सालों में, या पिछले 5 साल उससे पहले के सालों से ज्यादा बेहतर रहे, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं संत नगर की जनता के पास, उनका मूड जानने इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, क्या मूड रख रहे हैं। तो अंकल, कब से आप यहाँ रह रहे हैं? जी हाँ, हम तो 85 से यहाँ हैं। अच्छा, 85 से आप यहाँ हैं, तो करीब 30 से भी ऊपर साल हो गए। कितना विकास आपने, अगर पिछले 5 साल की अगर हम बात करते हैं, मौजूदा सरकार का कार्यकाल कैसा लगता है आपको? विकास तो देखो जी, जो हुआ है हुआ है। यहाँ केजरीवाल जी जब से आए हैं, OD1 ये वो लगा रहे हैं, हम लोग लेबर क्वालिटी का आदमी हैं, एक महीने से काम बंद धंधा है, खाने पे आफत है हम लोगों को, कहाँ जाए हम लोग। यहाँ सब कुछ पैसे वाले का है, नेता है, ये है वो है, सारे पैसे ले जाता है, लेबर क्वालिटी का मर रहे, OD1 करो, ये करो, प्रदूषण करो, सब हम लोग मर रहे हैं। और जेन्युइन इन्होंने बात रखी है, क्योंकि अब सवाल रोजी रोटी पर आ गया है। आप बताइए, आप बताइए कि कितने खुश हैं मौजूदा सरकार? बहुत खुश हैं। काम हुआ आपके एरिया में? हाँ, बहुत। क्या ऐसी समस्याएं थी जिससे ये इलाका जूझ रहा था, और इन 5 सालों में सबसे फायदा तो ये हुआ कि पानी का बिल फ्री कर दिया है। अच्छा। ठीक है, दूसरे बिजली पानी आता है? हाँ, पानी आता है, साफ आ रहा है। हाँ हाँ, रोज आता है, साफ आ रहा है पानी, एक दिन आता है। तो रोज कहाँ आ रहा है? एक दिन छोड़ के आता है, एक दिन छूटता है, दूसरे दिन आता है, लेकिन देता है। आना तो रोज चाहिए, रोज नहीं दे पा रहा, एक दिन छोड़ के आ रहा तब भी गुजारा। पहले पहले 5 साल पहले तो कुछ आता ही नहीं था, पहले पानी आता ही नहीं था। और दूसरी बात ये, जब शीला दीक्षित थी यहाँ की सरकार, तो वो 20,000 रुपए लेती थी वहाँ मीटर लगाने का, केजरीवाल आया फ्री कर दिया 10,000 रुपए में किया। ठीक है, अब आज की तारीख में जिसका नहीं लगा वो फ्री लगवा रहा है। आप बताइए, बढ़िया, ये अभी अच्छा चल रहा है। ऐसी समस्याएं जो सुलझ गई इन 5 सालों में? काफी वो सुधार हुआ, रोड बने, सब कुछ हुआ है अच्छा। और ऐसी दिक्कतें जब भी हैं? अब भी कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा सफाई का थोड़ा सा नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सफाई का बहुत ज्यादा इशू है, बहुत ज्यादा चल रहा है, ऐसी गंद पड़ा है कुछ, वो सफाई के लिए आते हैं निकालते हैं, एक एक हफ्ता ऐसे पड़ा रहता, उठता नहीं है। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजली वगैरह सब पूरी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, पानी कौन कह रहा था गंदा आता है? पानी कौन कह रहे थे? अच्छा, हाँ, पानी की दिक्कत है, पानी गंदा आता है, नाले का पानी आता है उसमें पहले, फिर बाद पानी का क्या फायदा जिसे आप यूज ही ना कर पाओ? हाँ, तो वो गंदा पानी आता है। कैसा लग रहा है मौजूदा सरकार का कार्यकाल? ठीक है वैसे, कांग्रेस सरकार से बेहतर? हाँ, बेहतर है कांग्रेस से, हाँ। क्या लग रहा है, अब फिर से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और अब तो तीनों पार्टियां मैदान में, बीजेपी भी है, कांग्रेस है और आप पार्टी, दिल्ली में तो आप ही आएगी? बीजेपी कांग्रेस का कुछ लग रहा है? नहीं, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर थोड़ी, बीजेपी और आप में, कांग्रेस में क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस ने काम ही नहीं किया, कुछ क्या करें बस। तो लग रहा है कि आप पार्टी इस बार भी 67 या पूरी निकाल, कम तो आई घर, कम तो होगी 40-45 सीटों के लगभग, तो काम क्यों होगी, काम तो पूरा कर रहे हैं वो, अब थोड़े बीजेपी भी टक्कर तो दे रही है उनको। अच्छा, तो ये संत नगर की जनता है जिसने अपने अपने विचार जो है रखे हैं यहाँ पर, कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, और आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या मूड रख रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। आइए,
एनक्लेव, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का एक और इलाका, और यहाँ के रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, अपने इलाके के विकास को लेकर क्या सोचते हैं ये मौजूदा सरकार को लेकर। क्या वापस मौका देना चाहते हैं या इस बार बदलाव की दरकार? चलिए आइए बात करते हैं। तो आप कब से रह रहे हैं अंकल इस इलाके में? हम 2009 से रह रहे हैं। 2009 से। क्या लगता है इस इलाके का कितना विकास, 2000 अगर हम 13 के बाद से बात करते हैं तो? जब से कोई गवर्नमेंट आई है तब से इस सरकार ने जितना विकास किया, आज से 50 साल से किसी ने नहीं विकास किया इतना। अच्छा। पानी यहाँ दिया, रोड यहाँ दिया, बिजली यहाँ दिया, अब सीवर का रह गया, सीवर का भी वो कॉलोनियों में पढ़ने जा रहा है, वो काम शुरू हो रहा है। हॉस्पिटल अभी बन के तैयार हो गया है, 800 बेड का, वो भी तैयार हो रहा है, हॉस्पिटल भी चालू होने वाला है। तो यहाँ पे जो इस सरकार ने दिया, बहुत कुछ दिया, और यही सरकार आएगी। अच्छा, पानी की लेकिन यहाँ लोग शिकायत भी कर रहे थे कि पानी आता जरूर है लेकिन गंदा आ रहा है। हाँ, गंदा कुछ आ रहा है कुछ टाइम से, बाकी अब फिर भी पोजीशन ठीक है। फिर भी पानी तो आ रहा है, पानी आ रहा है। इससे पहले पानी आता नहीं था इस इलाके में? इससे पहले नहीं आता था, इससे पहले नहीं आता था, मगर अब पानी आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। लेकिन यही है, कभी कभी बीच में चाहे कहीं फॉल्ट है और उसकी वजह से कभी ना लीकेज की वजह से गंदा आ जाता हो, अदरवाइज पानी साफ आ रहा है। साफ आ रहा है, मतलब खुश हैं कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सरकार? जी, खुश है सारे। एक और आपके जरिए मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि नहीं नहीं एक सेकेंड कि जो इस एरिए में हम गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक बुक सजेशन देना चाहता हूँ कि पानी का बिल वो लमसम भेजते हैं। जैसे अभी मेरा आया था 3,500 रुपए का बिल पानी का, और जब मैंने वहाँ जाके सही कराया तो केवल 37 रुपए 11 पैसे रह गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए जो वहाँ जल बोर्ड में बैठे हुए हैं, जो ये धांधले कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई एक्शन लिया जाना चाहिए। अच्छा। लोगों के बिल लमसम भेज देते हैं, ज़्यादा भेज देते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो कुछ कम रह जाता बिल, तो वो सही तरीके से बिल 3,500 और 37 रुपए तो बहुत लंबा वही डिफरेंस क्यों आया? हमारा लमसम बिल कैसे भेजा उन्होंने? मंथली वाइज क्यों नहीं भेजा? जब हमने मंथली वाइज कराया तो 37 रुपए 11 पैसे रह गए। आपने तो ये चेक कर दिया, लेकिन जो चेक नहीं कर पाता, बहुत से लोगों को पता नहीं तो वो भर देते जाकर, धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। लग रहा है वाकई ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा कुछ मामलों में हुआ है और हो रहा है। हो रहा है ना, मुफ्त पानी इसी तर्ज पर तो नहीं दिया जा रहा? नहीं, मुफ्त पानी का मैटर तो एक अलग है, हो सकता है ये पॉलिटिक्स का एक पॉइंट हो, अदरवाइज अगली सरकार आएगी तो पता लगेगा। क्या लग रहा है अगली बार चांसेस? चांसेस तो सरकार के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कौन है कौन ना है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर की समीक्षा दो मेन है। अच्छा। एक तो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है क्षेत्र में, हॉस्पिटल तो हो गया था लेकिन सरकारी स्कूल नहीं है बिल्कुल। अच्छा। एक समीक्षा तो मेन ये है, दूसरे में नालियों के पानी की निकासी कोई व्यवस्था ही नहीं है। बारिश के मौसम में क्या होता है? पानी भर जाता है और क्या होता है, मच्छरों से इतना परेशान हो रहे हैं। ये पानी के नालियों के निकास की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, कोई भी सरकार आए। सीवर लाइन तो कह रहे हैं डालना शुरू होगा, डालेंगे क्या डालेंगे, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हुआ, चुनावी हथकंडा हो गया, तो चुनाव से पहले लंबा प्रोसीजर है। फिलहाल तो केवल नालियों के पानी के निकास की व्यवस्था सरकार को करनी है, कहीं भी मतलब इसका निकास करे। जगह जगह हमने पोस्टर देखे कि सीवर का काम शुरू हो रहा है, लग रहा है चुनावी हथकंडा है ये। हम चुनावी हथकंडा या वो हम कुछ नहीं बोल सकते इसके मामले में, लेकिन हम ये बोलते हैं कि समीक्षा जो हम लोगों की है वो समीक्षा नालियों के निकास के पानी की है, कि नालियों में जो पानी है इसकी निकास की व्यवस्था की जाए, कोई भी सरकार है ना। अब ये छोड़ी कि हमको वोट दे दो हम कर देंगे, ये नहीं। हाँ। हम तो काम चाहते हैं जमीन पर। तो फिलहाल अपनी मौजूदा सरकार से आप खुश रहे या नहीं? पिछला 5 साल कैसा रहा? 5 साल में आप इतना ही तो होता है, इससे ज्यादा क्या कर पाएंगे? वो तो खुश हैं, खुश भी नहीं है नाराज भी नहीं है, बीच में है मतलब। अच्छा। 50-50, आप बताइए। नहीं, मैं तो खुश हूँ, जितना काम किया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जितना भी बहुत लगन से काम किया, यहाँ काम हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे अभी बताया उन्होंने कि एक तो स्कूल नहीं है, दूसरा पार्क जो है ना वो नहीं है बच्चों के लिए, और मैंने काफ़ी एरियो में देखा है जहाँ झूले भी लगाए हुए हैं इन्हीं सरकार ने, वहाँ काम हुआ है। तो हमारे को ये 2-3 चीज़ें और मिल जाएँ तो काफ़ी थोड़ा सा हल हो जाएगा। तो क्या लग रहा है फिर इस बार चांस किसके लग रहे हैं आने के? वापसी करेगी केजरीवाल? 90% वापसी करेगी बीजेपी। चांसेस है, मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं है उनके पास, यहाँ विकास है, काम किया केजरीवाल ने। विकास के नाम पर तो कांग्रेस भी पार्टी वोट मांगती है, क्या हो रही है मेरे ख्याल से? नहीं नहीं, विकास तो इन्होंने किया, बस हमारे यहाँ एक समस्या स्कूल की है। स्कूल अगर हो जाए तो, और अभी मोहल्ला क्लिनिक भी खुलने वाला है। जी,
खुलने वाला है तो वो तो अब अगले कार्यकाल में देखेंगे ना। प्रोसीजर में तो जनाब का काम तो चल रहा है, बन रहा है, यहाँ पे काम अच्छा किया इन्होंने। काम के मामले में जिस रोड पे आप खड़े हो या गड्ढे होते थे किसी टाइम पे, कॉलोनिया की जो आपकी गलियाँ बनी हुई देखो साफ सुथरी हो गई है, काम बहुत अच्छा किया। ठीक है भाई साहब का कहना कि गंदगी ये एक मुद्दा है यहाँ पर, निकासी नहीं, यहाँ पर बरसातों में परेशानी होती है, डकेन हुए जो आपके सफाई कर्मचारी आ रही है वो सही काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सफाई कर्मचारी वो भी लिमिट से सही नहीं आ रहे हैं, उसमें दोनों चीजें वर्कशॉप है आपका। तो भाई यहाँ पर तो जनता अपने विकास कार्य से खुश है। अम्मा जी से पूछेंगे, अम्मा जी आप कब से रह रही हैं? 13 साल हो गए यहाँ रहते रहते। कैसा लग रहा है, काम हुआ आपके इलाके में? नहीं, खूब हो रहा है काम, हो रहा है। अभी भी है कुछ समस्या है? पर ये नालियों का निकास नहीं है, यहाँ पानी भरा रहता है, मच्छर खाते हैं, और कोई भी कर। और बिजली पानी सब सब कुछ है, पानी साफ आ रहा है? हाँ नहीं साफ नहीं आ रहा, पीने का पानी साफ नहीं आ रहा, और बोतलें लेते हैं 20 रुपए की, उससे गुजारा करते हैं। अच्छा। हाँ फिर क्या फायदा जब पानी नहीं मिल रहा? सबसे नहीं मिल रहा तो क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। जनता तो मौजूदा सरकार के कार्यकाल से खुश भी नजर आ रही है, लेकिन कुछ एक आध समस्याएं हैं, लेकिन पिछली सरकारों के कार्यकाल से बेहतर मान रही है। तो अब देखना होगा कि अब जब चुनावों की तारीख का ऐलान होगा और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन यहाँ की जनता क्या करेगी। तो फिलहाल आज के लिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में, जानेंगे वहाँ की जनता का मूड। देखते रहिए मूड ऑफ दिल्ली।